हेलो अरियन, वेलकम ऑल ऑफ यू, सब लोगों को जय हिंद। तो जैसा कि आप मेरे पीछे थंबनेल देख पा रहे हैं, एसीसी 128 कैसे क्रैक करना है, सबसे मेन चीज़ वही है, हाउ टू क्रैक एसीसी 128 एग्ज़ाम। क्योंकि अभी आप लोगों का जो फॉर्म फिलअप है यूनिट में स्टार्ट हो गया है, अभी बहुत सारे बच्चे एचआरडीसी के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे वो एचआरडीसी में मैप रीडिंग के अलावा कुछ होता नहीं है एक्चुअली, मैं आपको बता दूँ। और आप लोग डिपार्टमेंट में खुद हैं तो मुझे लगता है मेरे जवानों को ज़्यादा पता है कि वो क्या उनको उचित है, वो करना चाहिए। बहुत सारे डाउट बच्चों के होते हैं, मैं सारे के सारे इसके अंदर सोल्व करने वाला हूँ, बेसिक बातें आपको बताने वाला हूँ। हालांकि बहुत सारी बेसिक बातें पता होती हैं आप लोगों को, ट्रेनिंग टाइम पे आप लोगों को सीओ साहब के द्वारा ही बहुत सारी बातें बताई जाती हैं, बट नो इशू, आई विल अगेन रिकॉल एंड एनीबडी हैव एनी डाउट डू लेट मी नो एंड कमेंट योर वॉर क्राई इन द कमेंट सेक्शन। सो आई विल सो मच हैप्पी कि आप किस रेजिमेंट से आते हैं, तो होप सो वी वर्क टुगेदर, ठीक है ना। और लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एसीसी 128 की, नए बैच के बारे में बताऊंगा, लेकिन सबसे मुख्य सवाल है कि इसको क्रैक कैसे करना है, आर्मी कैडेट कॉलेज के इस एग्जाम को हाउ कैन यू क्रैक, ये सबसे मेन चीज ध्यान रखना, कैसे इसको क्रैक करना है 128 को। आइए जरा शुरू करते हैं। अब सबसे मेन क्या है, वही 27 ईयर तक किसकी वो लिमिट होती है, 20 से 27 साल आप लोग एलिजिबल होते हैं, 2 साल का आपको इसका टाइम पीरियड होता है। अच्छा, मैं फिर से एक बात क्लियर कर दूं, डाउट यहां पर ध्यान रखना, इंक्लूडिंग सर्विस, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग पीरियड, इंक्लूडिंग क्या है, इसमें ट्रेनिंग पीरियड इंक्लूड है, तो आप लोग 2 साल में, मान लो आपकी 1 साल की ट्रेनिंग है, 1 साल आपको पोस्टिंग करते हुए, तो आप एलिजिबल हैं, पहली चीज़। नंबर 2 चीज़, इसमें बहुत बच्चों की ब्लैक एंट्री मिलेगी, ध्यान रखना, तो कोई घबराने वाली बात नहीं, यू आर एलिजिबल, और वहाँ पर आपको कोई चीज़ को लेके नहीं कहेगा, आपकी रेड एंट्री है, 1 रेड एंट्री है और ब्लैक एंट्री, तब भी यू आर एलिजिबल फॉर दैट। आप क्या हैं, एलिजिबल हैं इस चीज़ के लिए, आपने 12th किसी साइड से किया हो, आपने कॉमर्स से किया हो, किसी से भी कुछ भी किया हो, नॉन मेडिकल से, किसी भी हो, आप एलिजिबल हैं उस चीज़ के लिए। तो 20 से 27 साल की उम्र होती है, ध्यान रखना, 2 साल आपका टाइम पीरियड होना चाहिए, इसमें मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सारी चीज़ें आप लोगों के लिए हैं, तो कोई बड़ा इशू नहीं है आप लोगों का। आप लोगों का IMA का बैच होता है, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का, और आप लोग जानते हैं ये एक परमानेंट कमीशन है, तो ये भी आपको दिक्कत नहीं है। 75 सीट्स पर बैच होती हैं, बट पूरी की पूरी फिलअप नहीं हो पाती हैं, पूरी की पूरी यहाँ पर क्या है, फिलअप नहीं हो पाती है। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, अपने यूनिट क्लर्क से बात करिए, आह्वान पे जो आपके साथी क्लर्क बैठे हैं उनसे बातचीत करो, वो आपको बहुत सारी बातें इसके बारे में बता देंगे। बट ऑन एन एवरेज वैकेंसी आउट हो चुकी है, नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गए हैं, फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं, ध्यान रखना लोग HRDC के लिए जा रहे हैं। तो मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है, HRDC के लिए जा रहे हैं आप जाइए, ठीक, आपको छुट्टी मिल जाएगी, बैंगलोर वगैरह में है कहीं, या और कहीं जो HRDC क्लास चलती है वहाँ चले जाइए, आपको बुक आउट करने का मौका मिलता है, अच्छी किताबें लेके आ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, और सबसे मेन आप मेरे साथ तैयारी कर सकते हैं आराम से, बिना किसी हेडेक के मैं आपको पूरा बैच पढ़ाऊंगा और आप लोगों को आगे लेके मैं जाऊंगा, ध्यान रखना। HRDC क्लासेस के लिए मैं आपको तैयार करूंगा, आपको इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जा रहे हो तो चले जाओ, वहां पर आप मेरा मोबाइल में ऐप खोलना, आराम से तैयारी करना, आप लोगों को नोट्स आपके पास होंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ध्यान रखना। अब सबसे मेन इसमें भाई 4 सेक्शन आते हैं, मैथ, देखो मैं फिर कहता हूं, मैथ और रीजनिंग, इससे स्कोरिंग कुछ नहीं है, मैथ रीजनिंग और इंग्लिश, सबसे मेन बात, ये पेपर इंग्लिश लैंग्वेज में आता है, किस में आता है पेपर, इंग्लिश लैंग्वेज में आता है। इस बार का पेपर मैंने आपको बताया भी था और मैंने आपको सॉल्व भी करा है, लेकिन जल्दी हम सॉल्यूशन भी डाल देंगे, तो उसके लिए भी आप लोगों को दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। मैं फिर से कहता हूँ, 128 का जो आएगा 300 मार्क्स का पेपर होता है, देख लो 300 मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, 150 बेटा क्वेश्चन होते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी कितने मार्क्स का, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती है, 300 150, इन बातों का क्या है आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्लियर कट है, एनी डाउट तो मुझे बताइएगा। इनकरेक्ट आंसर है नेगेटिव मार्किंग, पहले कह दूं मैं, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के ध्यान में रखनी है, नेगेटिव मार्किंग 0.5, मतलब आधा नंबर आपको अवार्ड के रूप में मिलेगा अगर आपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर दिया और वो गलत हुआ तो, इसीलिए अटैम्प्ट उन्हीं को करना है जो आपको एग्जैक्ट आते हो, नहीं तो आप उसको बाईपास कर सकते हो। पहले वाला काम नहीं है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं, लगातार कर दो, जितना आता उतना सही है, बाकी सब गोले भर दो, ऐसा नहीं है। OMR बेस्ड टेस्ट है, कैसा टेस्ट है बेटा, ये एक टेस्ट है, OMR बेस्ड क्या है, ये OMR बेस्ड क्या है आप लोगों का यहाँ पर ये टेस्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पूरी स्ट्रेटजी इसके अंदर बता रहा हूँ, तो सबसे पहले 3 सेक्शन मैंने लिए हैं, पहला मैथ, दूसरा रीजनिंग और तीसरा इंग्लिश, इनको लेके चलना है, ध्यान रखना। चौथा GS है, साइंस है, कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा कुछ सोचने वाली बात इसमें नहीं है, ध्यान रखना।
150 क्वेश्चन है, दैट मींस आप देखो 150 क्वेश्चन हो गए, अगर 150 क्वेश्चन है तो 25 मल्टीप्लाई बाय क्या है, 6 सेक्शन आएंगे, 150 क्वेश्चन बनेंगे। लेकिन सबसे पहले किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम रीजनिंग की बात करेंगे भाई। अगर आपको रीजनिंग अच्छे से करनी है तो आप मेरे नोट्स को लेकर आराम से बैठ के पढ़ सकते हैं। मोबाइल नंबर आपको बता दूं सबसे पहले, मैं ये मोबाइल नंबर है, दिस इज योर व्हाट्सएप नंबर, दिस इज क्या है, दिस इज योर व्हाट्सएप नंबर। ये व्हाट्सएप नंबर है आप लोगों का, यहां पर आप ACC 128 लिख के भेज देना। 56 APO हो या 99 APO, आपके घर तक गाड़ी पहुंचाऊंगा। क्या है यहाँ पर, यहाँ पर आप लोगों का क्या है, आप लोगों के घर तक मैं क्या इसको गाड़ी तक पहुंचाऊंगा। आप टेंशन लेना, आपको कोरियर सर्विस अवेलेबल हो जाएगा। तो जितने भी सर्विंग जवान हैं, डोंट नो इट टू वरी। और मैं पर्सनली ट्वाइस ही आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो भी वीडियो देख रहे हैं, आई होप बहुत सारे को भेजूंगा मैं, तो बहुत सारे देखेंगे। आपके पास जवान अच्छे हैं तो आप मुझे बताइए सर, मैं आपको अफसर बना के दूंगा। और ऐसे ही जहां हमने काम किया है उसको हम ऐसे ही सर्व करते रहेंगे। दैट्स आवर मदरलैंड, इट्स आवर मेन ड्यूटी, ठीक है। वीर भोग्य वसुंधरा, भूल मत जाना आप लोग, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए सुनिए सबसे पहले, ये देखो भाई, रीजनिंग में कुछ टॉपिक में आपको महारत हासिल होनी चाहिए, और महारत हासिल हो सकती है लेकिन लगातार प्रयास करना पड़ता है। बहुत सारे जवानों का तो यही रोना रहता है कि मेरे पास समय नहीं है। समय नहीं है तो अफसर तुमको ही तो बनना है, आप ये बात क्यों भूल जाते हो। ऑफिसर आपको बनना, मुझे थोड़ी बनना है, आई ऑलरेडी लेफ्ट। आपको ऑफिसर बनना है, यू वॉन्ट टू स्टार ऑन योर शोल्डर, तो डेफिनेटली यू डिजर्व टू बी इन आर्म फोर्सेज। यार अगर आपको जाना है वहां पे तो आपको मेहनत करनी चाहिए, ध्यान रखना। ये पेपर मेरे हाथ में, ध्यान रखना। रीजनिंग में आप नंबर सीरीज को पढ़िए, किसको पढ़ेंगे आप नंबर सीरीज को पढ़िए। आप यहां पर क्या है, कोडिंग एंड डीकोडिंग को पढ़िए, ध्यान रखना। आप यहां पर रैंकिंग को पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट है, रैंकिंग पढ़िए। उसके अलावा आप यहां पर किसको पढ़ेंगे, आप रैंकिंग के अलावा यहां पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, रैंकिंग के अलावा आप किसको पढ़ेंगे, आप ब्लड रिलेशन को पढ़िए, ठीक है। अब ब्लड रिलेशन प्रैक्टिस के ऊपर बस, रीजनिंग में कोई ज्यादा डेट छाना नहीं चाहिए मुझे, रीजनिंग इज ओनली फॉर प्रैक्टिस। जो प्रैक्टिस वेल करेगा वो जिसका उसका अच्छा ही उतना स्कोर आएगा, ध्यान रखना। इसलिए प्रैक्टिस नहीं करोगे तो लपेटे जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस वेल, जितना हो सके उतनी अच्छी प्रैक्टिस आपको उसके अंदर करनी है। ब्लड रिलेशन के अलावा यहाँ पर क्या है, पजल से सवाल आप लोगों के आ सकते हैं, ध्यान रखना। किससे आएंगे सवाल आप लोगों के, आप लोगों के पजल से। उसके अलावा आपको वेन डायग्राम से सवाल आ सकता है, ध्यान रखना, इसको आपको देखना। और सबसे मेन यहाँ पर है, यहाँ पर एनालॉगी है, जो पहले बहुत अच्छे क्वेश्चन आया करते हैं, इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा थे। और नंबर 8 जो यहाँ पर है, नंबर 8 जो सबसे मेन चीज, यहाँ पर सिलॉग से क्वेश्चन आते हैं, ऑल ARB, ठीक है ना। ये सारे के सारे नोट्स में आपको दूंगा, ऑल BRC, ऑल CRA, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। सबसे मेन जो है नंबर 9 है, दैट इज फिगर बेस्ड क्वेश्चन। अब फिगर बेस्ड क्वेश्चन में लेके बहुत लोगों को बहुत दिक्कतें रहती है। इन सारे टॉपिक्स को मिला के, 9 टॉपिक को मिला के 25 क्वेश्चन आते हैं। फिगर बेस्ड क्वेश्चनों में बहुत लोगों को ये रहता है कि नहीं यार फिगर में क्या होगा। भाई सीधी सी बात है, 3 लॉजिक यूज करो। एक तो क्या करो, क्लॉकवाइज है या ये एंटी क्लॉकवाइज है। दूसरा देखो एंगल कितने डिग्री का है, भाई 90 डिग्री का है, 45 का है, 180 का है, वो देखो ये डिग्री का एंगल देखो। नंबर 3 यहां पर आप किसको देखेंगे, नंबर 3 आप यहां पर शिफ्टिंग को देखेंगे, कैसे शिफ्ट हो रहा है पहले से तीसरे पर, चौथे से दूसरे पर, ये सारी बातों को आप देखिए। रीजनिंग इज हाई स्कोरिंग पोर्शन। अगर आपको YLC कोर्स जाना है, YLC कोर्स में जाना है, टॉप 500 में रैंक लानी है, तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ध्यान रखना। YLC कोर्स जाना है, OTA जाना है, तो मेरे भाई मेहनत करो, वरना दिक्कत में आ जाओगे। क्या करो, मेहनत करिए, वरना यहां पर क्या है, आप लोग दिक्कत में भारी फंस जाओगे, ध्यान रखना। क्लियर है ना बेटा। बहुत लोगों को ये रहता है कि मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताना चाहता हूं, आप लोग अगर अच्छे से करोगे तो अच्छी संभावनाएं हैं, अच्छे से नहीं करोगे तो खराब संभावनाएं आपके लिए होंगी। आप लोगों को निराशा हाथ लगेगी और आप लोगों को दिक्कत हो जाएगी, ध्यान रखना। क्लियर रहेगा आप लोगों को,
तो ये YLC क्वेश्चन आपको देखना पड़ेगा. दिस इज द रीजनिंग पोर्शन यू हैव टू लुक एट. अब मैं आता हूं आगे मैथ्स के ऊपर. अब मैथ को सुन लो भाई. मैथ्स के बेटा दो पोर्शन है, अर्थमेटिक है एंड नेक्स्ट वी हैव व्हाट, वी हैव एडवांस सेक्शन. वी हैव व्हाट, वी हैव द एडवांस सेक्शन. अब अर्थमेटिक में क्या आएगा, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, परसेंटेज, CISI, ठीक है, प्रॉफिट और क्या आएगा लॉस. ये सारी चीजें यहां पर क्या है आप लोगों को देखनी पड़ेंगी. 1, 2, 3, 4, 5 ये एक पार्ट है. किसको देखेंगे, एलजेब्रा को देखिए, मेंशुरेशन को देखिए, ज्योमेट्री को देखिए, HCF और LCM को देखिए. देखिए मैथ में सीधी सी बात है, जितना लगाओगे समय उतना मिलेगा नंबर, नहीं लगाओगे समय तो नंबर नहीं मिलेगा. 70% जो फौजी हैं, जो जवान्स हैं, जो जवान है वो यहीं पर उनकी हालत खराब हो जाती है, ध्यान रखना. क्यों, पढ़ने का समय नहीं हो पाता. पढ़ने का समय तो भैया आपको निकालना पड़ेगा ना, ठीक है. तो स्पेंड टाइम 25 क्वेश्चन है, ध्यान रखना. 15 क्वेश्चन इधर से मान लेता हूं मैं, 10 क्वेश्चन उधर से मान लेता हूं, 25 क्वेश्चन आएंगे. रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए. क्या चाहिए, रेगुलर प्रैक्टिस चाहिए. और मैं आपको ध्यान रखना इसके अंदर हैंड रिटन नोट्स दूंगा, ध्यान रखना. हाथों से लिखे हुए नोट्स जस्ट ACC 128 लिखो और इस नंबर पर व्हाट्सएप कर दो. आप व्हाट्सएप करिएगा, पहले ट्राई करिए, व्हाट्सएप पे आपकी बात बन जाएगी, नहीं तो मैं कॉलिंग भी कर लूंगा. इस नंबर पे व्हाट्सएप करो, ये सारी चीजें मैं आपको क्या मैं दे दूंगा. तो रेगुलर प्रैक्टिस करो. मैं 10 साल के पेपर आपको दूंगा, आप रोजाना बनाओ. 10 साल के पेपर दूंगा, लगभग 60 पेपर मैं कराऊंगा, 60 ओरिजिनल पेपर ACC के, 60 ओरिजिनल पेपर मैं आपको कराऊंगा, वहां पर ध्यान रखना. तो 10 साल के पेपर है, आपको दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट सेक्शन जो हम बात करेंगे दैट इज GK, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आएंगे 25, जिसमें से हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है भाई, पॉलिटी के सवाल है, और बहुत सारे सवाल किससे हैं, करंट से और डिफेंस से. अब सीधी सी बात है, वन लाइनर क्वेश्चन तुमको दे रखे हैं मैंने पिछले बैच के अंदर, दिए थे वन लाइनर क्वेश्चन. जितना पढ़ोगे उतना मेवा, उतना ही तुमको नंबर मिलेंगे. और मैं अगेन कहता हूं, ना पढ़ने का तरीका बताओ तो हम पढ़ाएंगे तुमको भाई. ऑनलाइन बैच लीजिए, ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन बैच की शुरुआत 15 अगस्त से है. कब से है, आजादी के दिन से क्या हम लोग ऑनलाइन बैच की शुरुआत करेंगे. और 100 सीट इसके अंदर रखिए, ओनली वी हैव 100 सीट्स. तो 100 सीटों को यहां पर क्या हम इसको लेके चलेंगे, ध्यान रखना कितना टारगेट है भाई, 100 सीटों का टारगेट है. 100 बच्चों को ही मैं क्या ऑनलाइन पढ़ाऊंगा, उनके डाउट, उनके सेशन सब कुछ लूंगा इसके अंदर मैं. जल्दी ऐप लॉन्च आपको मिल जाएगा, तब तक के लिए सीट बुक कर लीजिए, आपको आराम से मिलेगा, ध्यान रखना. यहाँ पर क्या आप लोगों को आराम से मिलेगा. अब पैरामिलिट्री फोर्स से क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट डे से क्वेश्चन है भाई, है ना, एक डेज और एक डेट से पूछेगा. कहीं ना कहीं आप लोगों से इकोनॉमिक्स के 2-4 सवाल पूछे गए हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों से कैपिटल करेंसी पूछी गई है, तो उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना. अब हिस्ट्री में लोधी के बारे में पूछा गया, फर्स्ट वुमन रूलर, मतलब ऐसे ऐसे सवाल हैं जो पिटे हुए सवाल हैं, जो 30-40 बार किसी टूचे पेपर में आ चुके हैं, वो सवाल तुमसे पूछ रहा है. और तुमसे ये सवाल याद नहीं होते, क्यों, क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो, इसीलिए आपसे याद नहीं होते हैं. ऐसा मत करिए आप लोग, अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो फिर कामयाब होने के सपने छोड़ दीजिए. दो स्टार आप शोल्डर पे देखते हैं उनको भूल जाओ. मेहनत करनी है तो समझ जाइए, 2 स्टार रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मजा नहीं है वो. नेक्स्ट इंग्लिश भाई, वकैब को देखो. किसको देखेंगे आप, आप यहां पर वकैब को देखिए. किसको देखेंगे आप वकैब को देखिए. वकैब में अगर नहीं करोगे तो लपेटे जाओगे. एंटोनियम है, सिनोनियम है, वन वर्ड है, स्पेलिंग एरर है, ठीक है, एंटोनियम, सिनोनियम, वन वर्ड, स्पेलिंग एरर, और क्या मिलेगा आपको. नेक्स्ट वी हैव वन वर्ड स्पेलिंग एरर के अलावा एंटोनियम, सिनोनियम है, इडियम फ्रेजेस भी है. तो ये पार्ट है, वकैब के बगैर आप जीरो हैं. दूसरा पार्ट क्या, ग्रामर है. अब ग्रामर में आप लोगों से क्या पूछेगा, एरर पूछेगा एक्टिव पैसिव पूछेगा, नरेशन आप लोगों से पूछ सकता है. तो उसके लिए आप क्या रहिए, आप उसके लिए तैयार रहिए. क्या दिक्कत है आपको उसके अंदर, इज एनीबडी हैव एनी डाउट, नो डाउट, क्या है, कोई डाउट ही नहीं भाई साहब आपको उसके अंदर.
क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं आना चाहिए। इंग्लिश बहुत बच्चों को दिक्कत है, पेपर इंग्लिश में आता है, इंग्लिश में आता है। कुछ लोग कहेंगे ना जी इंग्लिश में कैसे पढ़ें, भाई प्रैक्टिस करो, पढ़ाई करो, लगातार रेगुलर क्लास लो ना, वो नोट्स पढ़ो ना, शॉर्टकट के चक्कर में रहोगे तो कभी सफलता मिलेगी नहीं, ध्यान रखना ये मैं क्लियर तुमको कहता हूँ। शॉर्टकट पकड़ा तो गए काम से। साइंस का सेक्शन है भाई, सबसे अच्छा लेवल इसी पेपर में आता है, आठवीं नौवीं दसवीं का साइंस पता होना चाहिए, ध्यान रखना। क्या है, एट्थ नाइन्थ और टेंथ का यहां पर क्या आप लोगों को साइंस पता होना चाहिए अगर कुछ अच्छे से करना है तो, अगर कुछ अच्छे से करना है तो आप लोगों को यहां पर क्या है, आपको साइंस पता होना चाहिए। ठीक है, साइंस पता होगा तो आप ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर पाओगे इसे, ये बात आप क्लियर कर ध्यान रखिएगा। साइंस के लिए 8, 9, 10 को पढ़िए आराम से, फिजिक्स को पढ़िए, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, अलग अलग सेक्शन में मैं आपको पढ़ाऊंगा। या तो इसके एनसीईआरटी उठा लो, इतना समय तुम्हारे पास नहीं होगा, या कोई स्टैटिक जीके उठा लो जिसमें लगातार क्वेश्चन दे रखे हो, या फिर क्या ऑनलाइन कोर्स ले लो, क्या ले लो ऑनलाइन कोर्स, या फिर क्या है ऑफलाइन जो स्टडी मटेरियल जो तुमको मिलता है वो आप इसको ले सकते हो, ऑफलाइन स्टडी मटेरियल को इसको लेके के आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो, मैं आपको देख लूंगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज आपके लिए अवेलेबल है। सिर्फ एक व्हाट्सएप दूर है, पैसा कमा रहे हो, सैलरी ले रहे हो तो यूटिलाइज कर लो, बाद में जो समय चला जाएगा फिर घूमते रहना, फिर PCSL एंट्री दे देना बुढ़ापे के अंदर, ACC 128 ये टाइप करके भेज देना इस नंबर पे, मैं अपने आप टैकल करूंगा। उसके बाद है भाई ह्यूमैनिटीज, यहां पर सर चकराएगा इको को देख के, फिर कहता हूं सारे के सारे कैसे क्वेश्चन आएंगे, रिपीटेड क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सारे के सारे क्वेश्चन कैसे रिपीट, तो ये पेपर रिपीटेड क्वेश्चनों का गेम है, मैं तुमसे 10 बार कह चुका हूं, 5000 सवाल है इसी के पास। AEC आर्मी एजुकेशन कॉप्स जो है, जहां से हेडक्वार्टर से पेपर बन रहा है, दे हैव 5000 क्वेश्चन, कितने सब क्वेश्चन उनके पास, ये 5000 क्वेश्चन है, इन्हीं को दाएं बाएं घुमाते रहते हैं, लेकिन तुम लोगों को समझ में नहीं आता, तुम लोग चाहते हो कैप्सूल के चक्कर में, कैप्सूल जब आएगा, जब तुम पास हो जाओगे, मैं ऑन द स्पॉट खा लूंगा, एक ही दिन में मैं पास हो जाऊंगा, तो फिर तुम ऐसे ही अगली बार फिर से देते हो फिरोगे, एग्जाम दोबारा क्लियर नहीं होगा, दिक्कत आपको होगी, इसीलिए बेटर क्या है तैयारी करो। 15 अगस्त से ऑनलाइन बैच है, ठीक है, स्टडी मटेरियल अवेलेबल है, 56 APO या फिर 99 APO, डिपार्टमेंट वाले हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप घर मंगाना चाह रहे हैं घर अवेलेबल है, जस्ट व्हाट्सएप, जस्ट क्या है व्हाट्सएप इस नंबर पर कीजिए, मैं पर्सनली आपसे मैसेज में बात करूंगा, ये नंबर है मेरा, ठीक है, ACC 128 लिख के भेज दो। मैं चैलेंज करता हूं कि जो पेपर फरवरी में होगा हम पास करेंगे, कब होगा नेक्स्ट एग्जाम, नेक्स्ट एग्जाम वी हैव फरवरी, इसमें हम एग्जाम पास कर लेंगे, चिंता मत करना, क्लियर कट है, नंबर है मेरा सामने आपके, फरवरी का जो एग्जाम होगा हम क्लियर करेंगे। ये मेरी पूरी स्ट्रेटजी थी ACC 128 को लेके, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं चाहिए, ज़्यादा डेढ़ छाना बच्चा नहीं चाहिए, लेकिन रेगुलर जो प्रैक्टिस करता हो, तुम्हारे पास नेटवर्क नहीं है तो पेपर ले लो। आप 6 महीने का 15000 रुपये कोर्स है यार, ऑनलाइन कोर्स की बात करूं, अगर मैं ऑनलाइन की बात करूं 8000 रुपये ले रहा हूं, 6 महीने के 8000 रुपये हैं। स्टडी मटेरियल की बात करूं, हैंड रिटन नोट्स हैं उसके अंदर, प्लस में 10 साल के पेपर हैं, फोटोकॉपियां खर्चा करोगे तब भी बात बन जाएगी, इसका खर्चा 7000 रुपये है। अगर कंबाइन पैकेज ले रहे हो, कंबाइन ऑनलाइन प्लस हैंड रिटन नोट्स प्लस स्टडी मटेरियल कंप्लीट 15000, बताओ दिक्कत ही नहीं आने देंगे भाई, गेम खत्म कर देंगे, ध्यान रखना, दिक्कत ही नहीं आने देंगे, गेम खत्म कर देंगे, आप लगे रहो मेहनत पे, आप आगे बढ़ो, हम बाकी देखेंगे चीजों को। इसीलिए क्या है, बेटर है आप स्टार्ट करो, आप मेहनत करो, हम आपके साथ खड़े हैं, आप मंजिल तक चलते रहिए, मैं आपको पीछे सपोर्ट करता रहूंगा, और जल्दी ही जब रिजल्ट आएगा तो SSB बैच आउट क्या करेंगे, SSB बैच हम लोग यहां पर क्या लेके आएंगे आप लोगों के लिए, टीम ऑफ एक्स सर्विस सिलेक्शन बोर्ड मेंबर जो आपको पास कराएगी। उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो प्रोडक्टिव रहा होगा, तैयारी करिए, जय हिंद।